बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, जफ़र इकबाल एस्पायरी रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, अगर आप इस्लामाबाद के नज़दीक तीन एरियाज़ के अंदर अपना फार्म हाउस लेना चाह रहे हैं और एक ऐसी पुरसकून जगह की तलाश में हैं जहाँ पे वाटरफॉल्स भी हों, जहाँ पे खूबसूरत से डैम भी हों, जहाँ पहाड़ भी हों, वादियाँ भी हों और बड़ा खूबसूरत सा मंज़र हो और जो इस्लामाबाद से ज़्यादा दूर भी ना हो, तो फिर आज आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये इस्लामाबाद के बिल्कुल नज़दीक तरीन एक बहुत ही खूबसूरत एरिया डेवलप हो रहा है, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ पाइन सिटी की। पाइन सिटी मार्गरा हिल्स के अंदर मखनियाल के मुकाम पर वाक़ है और इस्लामाबाद से जस्ट 30 to 35 मिनट्स की ड्राइव के ऊपर है। यानी जब इस्लामाबाद दूर से जाते हैं तो जस्ट 30 से 35 मिनट की ड्राइव पे आप वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ बड़ी खूबसूरत वाटरफॉल है। तो आज मैं आपको वो वाटरफॉल भी दिखाऊंगा, उसके साथ जो खूबसूरत से डैम बने हैं वो आपको दिखाऊंगा, जो उसका क्लब एरिया है वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, और फिर पाइन सिटी के अंदर फेज़ वन और फेज़ टू के अंदर जो डेवलपमेंट है उसके बारे में एक डिटेल से आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो आइए चलते हैं, मैं आपको अपनी LCD स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूँ और वहाँ पर आपके साथ मैं ये वीडियो शेयर करता हूँ और उसके साथ मैं आपके साथ इसकी डिटेल्स भी शेयर करता हूँ। तो नाज़रीन, जब आप पाइन सिटी में पहुँचते हैं तो पाइन सिटी के बेसिकली दो फेजेस हैं, फेज़ वन और फेज़ टू। फेज़ वन ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, वहाँ पे रोड्स का नेटवर्क भी बन चुका है, मैं आपको एक ओवरव्यू भी इसमें दिखा रहा हूँ, आप उस ओवरव्यू में भी देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत से लोगों ने जो पुरानी बुकिंग्स की हुई थी उनको पोजीशंस वगैरह भी मिलना स्टार्ट हो गए और वहाँ पे जो लास्ट टूर हमारा हुआ था वहाँ पे हमने बहुत से जगह देखा था, वहाँ पे कटिंग्स वगैरह हो रही थी उसके लिए और उस पर लोगों ने अपने घर बनाना भी स्टार्ट कर दिए। इसी तरह से बहुत से इसके अंदर बिल्डिंग्स बनी हुई भी, वो भी मैं आपको साथ साथ वो भी दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ एरियाज के अंदर जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वो आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको भी देख सकें। ये जो मैं अभी सारा आपको दिखा रहा हूँ ये फेज़ वन है। फेज़ वन के अंदर इस वक्त अगर आप अपना कोई प्लॉट लेना चाहेंगे तो फेज़ वन के अंदर रीसेल के अंदर है, बुकिंग में आपको नहीं मिलेगा। रीसेल में हर बंदे का अपना रेट है, जो ऑनर है जो उसका मालिक है वो अपने हिसाब से बेच है, लेकिन जो आपको एवरेज इसके अंदर प्लॉट मिल जाएगा वो राउंड रोड कोई 90 लाख से लेकर 1 करोड़ 20 लाख की रेंज के अंदर पर कनाल के हिसाब से मिलेगा और ये भी कैश के ऊपर होगा आपका। फेज़ वन में जो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसका जो क्लब एरिया है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये CCTV कैमरा देख सकते हैं, यहाँ पे लगे हुए हैं। इसी तरह से ये सामने बिल्डिंग पे लगे हुए हैं, आपको सिक्योरिटी के नज़र आएंगे हर साइड पे, बड़ा सिक्योर्ड एरिया है ये। और आप जिधर जा रहे हैं वहाँ आपको सिक्योरिटी सर्विलेंस मिल रही है। टेनिस कोर्ट आप देख रहे हैं। ये सामने जो दो बिल्डिंग्स हैं इनकी बैक के ऊपर एक छोटा सा क्रिकेट ग्राउंड भी है। ये जो सामने बिल्डिंग बनी हुई है इसमें टेबल टेनिस के और इसी तरह से स्नूकर के गेम के जगह बनी हुई है, अभी आपको वो भी दिखाता हूँ मैं। ये स्नूकर गेम का एरिया है। और ये टेबल टेनिस गेम का एरिया है। इसी तरह से आपको वाटरफॉल की तरफ लेके चलता हूँ, वाटरफॉल आपको दिखाता हूँ।
वाटरफॉल में ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल मेन वाली वाटरफॉल है, और यहाँ पे आप पानी का फ्लो देख लीजिए, पानी का कलर देख लीजिए, नॉइज आप सुन रहे हैं पानी की वो आप देखिए। और इसी वजह से जब इसे थोड़ा सा ऊपर आएँ तो ये फर्स्ट डैम जो इसका बना हुआ उस डैम का आपको व्यू आप देख सकते हैं, और इसी वजह से डैम के सामने वाली साइड पे जो पानी गिर रहा है कितना खूबसूरत मंजर बन रहा है ये भी आप देखिए। ये स्टेप बाई स्टेप बेसिकली ये तीन डैम बने हुए पंच सिटी के अंदर, और उसमें जो ये सबसे ऊपर देख रहे हैं ये मेन इसका डैम है, उसके नीचे फिर ये सेकेंड वाटरफॉल है, और उसके बाद तीसरा डैम जो बना हुआ है। और ये ऊपर वाले स्टेप डैम देख रहे हैं, और इसी तरह से इसके नीचे भी एक छोटा सा पार्क बना रहे हैं, छोटे से सिटिंग एरिया बना रहे हैं यहाँ पे भी। जैसे मैंने बताया पहले स्टेप के अंदर जितना पीछे पहाड़ों से पानी आ रहा है वो इसके अंदर और यहाँ पे मिट्टी वगैरह सारी इसके अंदर जमा होती है, फिर इस डैम के ऊपर से पानी होके नीचे जा रहा है, तो वो निखर के साफ होके नीचे वाले डैम में जा रहा है, उसके अंदर मिट्टी कम जा रही है, और उसके नीचे वाले के अंदर वो बिल्कुल साफ शफाफ उस पानी का कलर भी देखते थे, बिल्कुल ग्रीन कलर का पानी है यहाँ पे, तो बड़ा खूबसूरत मंजर बनता है ये। तो नाज़रीन अगर आप फेज वन के अंदर लेना चाहें वहाँ पे आपके पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज है, आपको प्लॉट्स भी मिल सकते हैं, एक कनाल की कटिंग में, दो कनाल में, चार कनाल, आठ कनाल, इस तरह से डिफरेंट है, लेकिन ये रीसेल में है ऑलरेडी। जैसे मैंने बताया कि एवरेज अराउंड 80-90 लाख से लेकर कोई 1-10-20 लाख इस रेंज के अंदर पर कनाल के हिसाब से है। इसी तरह से फेज वन के अंदर आपको कॉटेजेस भी मिल सकते हैं, बने बनाए बड़े खूबसूरत इन्होंने कॉटेज बनाए हैं, 7 मरला के अंदर बने हुए 2-bedroom कॉटेज हैं, उसके करीब से भी बड़ी खूबसूरत वाटर स्ट्रीम भी गुजर रही है उसके करीब से, वो भी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। ऐसे ही अगर आप अपार्टमेंट में जाना चाहें तो यहाँ अपार्टमेंट्स की 4 buildings इन्होंने बनाई हैं, एक बिल्डिंग पाइन वैली रेजिडेंशियल है उसका पोजीशन ही दे चुके हैं, इसी तरह से पाइन वुड रिजॉर्ट 2 buildings है, और पाइन सनसेट की तीसरी बिल्डिंग, जो पाइन वुड रिजॉर्ट की दोनों बिल्डिंग्स हैं उनकी ग्रे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है, ब्लॉक वर्क उनके अंदर हो रहा है, और जो चौथी बिल्डिंग है पाइन सनसेट की उसके भी ग्रे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है, और इनके पोजीशन में अभी टाइम है लेकिन पाइन वैली रेजिडेंशियल है उसका पोजीशन दे चुके हैं। यहाँ पे भी बुकिंग में डायरेक्टली आपको कंपनी से नहीं मिलेगी, रीसेल के अंदर ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन एवरेज तकरीबन 16,000-17,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको अपार्टमेंट मिलेगा। अपार्टमेंट के साइजेज अगर हम देखें तो तकरीबन 500 square feet के राउंड रोड के अपार्टमेंट्स आएंगे, 1-bedroom स्टूडियो अपार्टमेंट्स आएंगे। अब हम आते हैं फेज टू की तरफ। आप फेज टू में जिस वक्त जाते हैं तो फेज टू के अंदर आपको बुकिंग के अंदर भी मिल रहा है और आपको कैश के ऊपर मिल रहा है। फेज टू के अंदर इसके 6 sectors हैं, सेक्टर A, B, C, D, E and F। आमतौर पे F सेक्टर को पाइन हिल्स के नाम से सेल किया जा रहा है, तो जो इसका पोजिशनेबल ब्लॉक है वो सेक्टर A और B है। सेक्टर A के बिल्कुल स्टार्ट तक रोड पहुंच चुकी है, वहां पे कॉर्पोरेट रोड पहुंच चुकी है, आप अपनी गाड़ी में भी जा सकते हैं, और उससे आगे अभी रोड की कटिंग हो चुकी है, पहले 40 feet रोड था, अब उसको और खुला करके अराउंड 60 feet के रोड के ऊपर लेके जा रहे हैं। सेक्टर A के अंदर खुला करने का ऑप्शन काफी हद तक स्टार्ट हो चुका है, आगे B तक भी मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है मेरे चैनल के ऊपर जिसके अंदर मैं सेक्टर B तक भी रोड के ऊपर गया हूँ, जाके वो सारा कवर किया, आपके साथ शेयर किया था। तो आप अगर फेज टू के अंदर लेना चाहें तो यहाँ पे भी आपको प्लॉट्स मिल जाएंगे, पोजिशनेबल प्लॉट मिलेगा, और इंस्टॉलमेंट पे भी है और कैश के ऊपर। रेट आपको इसलिए अभी के नहीं बता रहा कि ये हर 3-4 महीने बाद 5 महीने बाद ये अपने रेट को रिवाइज कर देते हैं। ऐसा कई बार हो चुका है कि जब मैंने स्टार्टिंग में आज से कोई 2 साल पहले जब एक वीडियो डाली थी और उसके अंदर जो रेट था वो मैंने आप बताया था, और आज 2 साल बाद भी अगर कोई लोग देख के वो वाला रेट कह रहे हैं उस रेट के ऊपर चीज चाहिए, तो डेफिनेटली अभी उस रेट के ऊपर तो नहीं मिलेगी। अब तो जो मौजूदा रेट है कंपनी उस रेट के ऊपर आपको दे रही होगी। तो आप जिससे कॉन्टेक्ट करेंगे जो पॉसिबल हुआ जितना मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल हो वो करके इंशाल्लाह हम आपको एक अच्छा पोजिशनेबल प्लॉट हम दिलवा सकते हैं। तो पाइन सिटी एक बहुत खूबसूरत पीसफुल एरिया है जहाँ पे आप अपना घर बना सकते हैं, पीसफुल माहौल के अंदर आप रह सकते हैं। फेज टू के अंदर आपको अच्छा व्यू मिलेगा क्योंकि फेज टू की जो वैली है वो काफी बड़ी है, उसके सामने का जो पहाड़ है वो बहुत दूर है, तो आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा फेज टू के अंदर। थिक फॉरेस्ट है उसके अंदर और वो भी आपको एक अच्छा पीसफुल माहौल है उसके अंदर, बड़ा पुस्कून एनवायरनमेंट है उसकी। तो नाज़रीन ये थी आज की जो वीडियो मैंने आपके साथ पाइन सिटी के बारे से शेयर की।
आप इसके बारे में कुछ भी जानना चाहें, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, आप इसके साइट विजिट करके आप देखना चाह रहे हैं, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे ये जो दिए गए व्हाट्सएप नंबर हैं इनके ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप सब दोस्तों का देखने सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।